सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो ये स्टोरी मैंने खुद बनाई है और इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो सभी लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोकू को पिटता देख डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है, गोकू डूम के आगे कमज़ोर कैसे हो गया? गोकू की हालत अब ख़राब हो चुकी है, उसके मुँह से खून आ रहा है। गोकू सोचता है, ये तो बहुत पावरफुल है, मैंने इसे हल्के में ले लिया। अब तक के विलन में ये सबसे पावरफुल है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा इसे मैं हराऊं कैसे। कोई तो रास्ता होगा इसे हराने का। दूसरी तरफ डॉक्टर डूम बोलता है, अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है बच्चे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज गोकू की हेल्प के लिए जाता है, बट डॉक्टर डूम स्ट्रेंज को एक पंच कर देता है जिससे स्ट्रेंज घायल हो जाता है। अब स्ट्रेंज को देख वोंग भी अटैक करने की सोचता है, बट डूम वोंग को गायब कर देता है, जिसे देख गोकू को बहुत गुस्सा आ जाता है। गोकू सोचता है, मुझे कुछ करना ही होगा वरना ये सबको मार देगा। तभी गोकू को शूरी की आवाज़ आती है। शूरी कहती है, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो गोकू? गोकू कहता है, तुम कहाँ से बोल रही हो? शूरी कहती है, मैंने इस जैकेट में कैमरा माइक स्पीकर सब फिट किया है। गोकू बोलता है, शूरी ये तो बहुत ही पावरफुल है, इसे हराने का कोई रास्ता बताओ। तब शूरी बताती है, गोकू उसका वो जैकेट, उससे वो लाइट की स्पीड यूज कर रहा है। गोकू पूछता है, लाइट की स्पीड, बट उससे क्या होगा? शूरी बताती है, गोकू डूम इस वक्त लाइट की स्पीड से तुम्हारा कुछ सेकेंडों का फ्यूचर देख रहा है। गोकू पूछता है, मैं समझा नहीं। शूरी बताती है, कोई भी लाइट की स्पीड यूज करता है तो टाइम को ब्रेक कर देता है और वो फ्यूचर को भी देख लेता है। गोकू बोलता है, अच्छा तभी वो मेरे सभी अटैक्स को पहले से ही प्रेडिक्ट कर ले रहा है। शूरी बोलती है, तुम्हें भी लाइट की स्पीड का यूज करना होगा, क्या तुम वो कर सकते हो? गोकू बोलता है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। शूरी बोलती है, ग्रेट, तो अब तुम्हारी बारी है, डूम को धूल चटा दो। इसके बाद डूम कहता है, लगता है तुम्हारे सर में फिर से चोट लगी है, तभी तुम बड़बड़ा रहे हो। जैसे ही डूम कहता है, अब तुम्हें मरना होगा, डूम को एक जोरदार पंच लगता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। डूम बोलता है, ये इसने कैसे किया? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। गोकू कहता है, डॉक्टर डूम तुम्हें अब रियलाइज होगा कि तुम मुझसे भिड़े क्यों। तभी गोकू अपनी अल्ट्रा ड्रिप इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है। डूम बोलता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अभी दोनों में काफी भयंकर फाइट होती है और ये फाइट लाइट की स्पीड में हो रही होती है। गोकू की स्पीड डूम से काफी ज्यादा होती है, इसलिए गोकू डूम पर काफी पंचेस कर देता है जिससे डूम की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर डूम गोकू पर एक बीम अटैक चार्ज कर देता है और गोकू भी अपना अल्ट्रा ड्रिप कामेहामेहा चार्ज कर देता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। डॉक्टर डूम गोकू पर इलेक्ट्रिक लेजर से अटैक करता है जिससे गोकू को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गोकू को डूम पर गुस्सा आता है। गोकू कहता है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, टीन के डिब्बे। इसके बाद गोकू भी इलेक्ट्रिक कामेहामेहा चार्ज करता है और डूम पर मार देता है जिससे डूम की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर डूम गोकू पर गुस्से में अटैक करता है, बट गोकू उससे इजीली डॉज कर लेता है। गोकू बोलता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते डूम। तभी डॉक्टर डूम गोकू पर फुल पावर का यूज कर देता है और डूम अपनी पूरी एनर्जी गोकू पर लगा देता है जिससे गोकू को बहुत तकलीफ होती है। गोकू दर्द से चिल्लाता है। डॉक्टर डूम कहता है, ये तुम्हारी मौत है गोकू। डूम फुल पावर से गोकू को शॉक देता है। तभी एकदम से डॉक्टर डूम की सारी पावर्स गायब हो जाती है और गोकू जमीन पर गिर जाता है। डॉक्टर डूम कहता है, ये क्या हुआ, मेरी एनर्जी कहाँ गई? ऐसा लग रहा है मेरा शरीर खाली हो गया है और मेरी मैजिक पावर भी मेरे साथ नहीं है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या? तभी गोकू खड़ा होता है। गोकू कहता है, डॉक्टर डूम ये मेरी मौत नहीं तुम्हारी मौत है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर डूम को गोकू पर गुस्सा आता है और वो गोकू पर लास्ट अटैक करने जा रहा होता है, बट गोकू उसी टाइम अपनी रेज बढ़ाता है
और उस रेस से ही डॉक्टर डूम इरेज हो जाता है। और अब गोकू के पास आ जाती है डॉक्टर डूम की मैजिकल्स पावर और बियॉन्डर्स की पावर, जिससे गोकू बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बन गया है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी? आपके कहने पर मैंने बड़ी बना ली है, तो ऐसे लाइक करो, इसे पसंद करो, शेयर करो, कमेंट करो। कल का वेट करो, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।